मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट, लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम अप्लाइड एंटोमोलॉजी में पेस्ट ऑफ वीट पर डिस्कशन करेंगे। वीट क्रॉप यानी वीट प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले कई प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, जिसमें स्टेम बोरर्स हैं, लीफ फीडर्स हैं, सैप शकर्स हैं, सीडलिंग ईटर्स हैं और रूट ईटर्स हैं। बहुत से ऐसे पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट जो वीट क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, वो दूसरे क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं, जिसमें शुगर केन, मेज़ और मिलेट्स, पैडी, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। वीट प्लांट को और वीट क्रॉप को जो पेस्ट के द्वारा नुकसान पहुंचा जाते हैं, वो प्लांट के अलग अलग पार्ट को, अलग अलग जो पेस्ट के स्टेज हैं उनके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। कुछ जो कॉमन पेस्ट हैं या मेन पेस्ट हैं वीट प्लांट के, वीट क्रॉप के, उनमें हैं स्टेम बोरर, सेसिमा इन्फेरेंस जो लेपिडोप्टेरा का इंसेक्ट है, लीफ फीडर्स में क्रोटोगोनस स्पीसीज का ग्रास हॉपर जो ऑर्थोप्टेरा का इंसेक्ट है, और एट्रेक्टोमॉर्फा जो सरफेस ग्रास हॉपर है ऑर्थोप्टेरा का, इसी तरह डेजर्ट लॉकस्ट सिस्ट्रोसर्का ग्रेगेरिया, और माइथिमना सेपरेटा जो लेपिडोप्टेरा का इंसेक्ट है। सैप शकर्स हैं जिसमें मैक्रोसिफम ग्रेनेरियम जो हेमिप्टेरा का वीट एफिड है, और एनेपोथ्रिप्स जो वीट थ्रिप्स है, थाइसेनोप्टेरा का इंसेक्ट है। सीडलिंग में जो टेनिमेकस इंडिकस कॉलियोप्टेरा का इंसेक्ट है, और टर्माइट्स जो आइसोप्टेरा के इंसेक्ट्स हैं। टर्माइट्स में अलग अलग तरह के स्पीसीज, एक से ज़्यादा स्पीसीज उसको अटैक कर सकते हैं। वीट को नुकसान पहुंचाने वाले जो पेस्ट हैं, वो वीट के अलावा दूसरे प्लांट्स को भी एज ए होस्ट यूज़ करते हैं पूरे साल भर। अलग अलग सीज़न में वो अलग अलग तरह के होस्ट प्लांट को यूज़ करते हैं फूड के लिए, और दूसरे जो क्रॉप्स हैं वीट के अलावा, उन्हें भी वो नुकसान पहुंचाते हैं। जो तीन पेस्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे एज पेस्ट ऑफ वीट, उसमें है सेसिमा इन्फेरेंस और मैक्रोसिफम ग्रेनेरियम, इसके अलावा टर्माइट्स। सेसिमा इन्फेरेंस जो लेपिडोप्टेरा का इंसेक्ट है, पिंक बोरर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट इंडिया। अपेरेंस में अगर हम देखें तो बॉडी और फोर विंग्स इस मोथ के स्ट्रॉ कलर्ड होते हैं, जबकि जो हाइंड विंग्स हैं वो पेल कलर के होते हैं। एडल्ट का साइज 1.8 सेंटीमीटर लेंथ है, उसकी लंबाई है, और जो विंग एक्सपेंसेस इसका होता है वो 3 सेंटीमीटर तक होता है। कैटरपिलर्स पिंकिश ब्राउन इन कलर होते हैं। लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री अगर हम देखें सेसिमा की, तो ये होलोमेटाबॉलस इंसेक्ट है, जैसा कि हम इसके लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री के जो चित्रांकन है उससे देख रहे हैं, वो रेक्टेंगुलर है तो होलोमेटाबॉलस है। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। एग फीमेल के द्वारा 400 के नंबर में एग लेइंग की जाती है। लार्वा इसके 5 से 7 तक इंस्टार्स होते हैं, और एग से लार्वा के कन्वर्जन में, उसको कन्वर्ट होने में 4 से 9 दिन का समय लगता है। लार्वा से प्यूपा बनने में 21 से 28 दिन का समय लगता है, और प्यूपा से एडल्ट के बनने में 7 से 10 दिन का समय लगता है।
अप्रैल से अक्टूबर इनका एक्टिव ड्यूरेशन होता है, जब इनका लाइफ साइकिल, इनका रिप्रोडक्शन काफ़ी एक्टिव स्टेज में ये रहते हैं। एग्स जो लेड किए जाते हैं, या कहें कि एग लेइंग जो इनकी की जाती है, वो लीफ शीट पर, स्टेम पर और सॉयल में भी स्टेम के आसपास की जा सकती है। कैटरपिलर्स हेचिंग के पश्चात लीफ की जो एपिडर्मल लेयर है उसको बोर करते हैं और बाद में ये स्टेम को भी डैमेज करते हैं। जब प्लांट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये दूसरे प्लांट के ऊपर मूव कर जाते हैं, नियरेस्ट जो भी प्लांट है, और इस तरह से क्रॉप को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। लार्वल इंस्टार्स के बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो इनका जो प्यूपेशन है वो मोस्टली इनसाइड द स्टेम होता है, फिर ये स्टेम का जो टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और कभी कभी इनका प्यूपेशन लीफ की शीथ के अंदर भी होता है, ऊपर भी होता है। तो दोनों ही तरह से ये लीफ को भी डैमेज कर सकते हैं और जो उसका स्टेम है उसको भी डैमेज करते हैं। जैसा हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसके होस्ट प्लांट हैं वो ये एज ए होस्ट वीट प्लांट के अलावा पूरे साल भर दूसरे जो क्रॉप्स के प्लांट्स हैं उनको भी यूज़ करता है। ये फरवरी से मार्च तक वीट प्लांट पर एक्टिव रहता है, उसके बाद में मार्च से अप्रैल तक मेज, शुगर केन और जो ज्वार है उसके ऊपर फीड करता है, फिर उसके बाद में नवंबर तक ये मेज और पेडी पर फीड करता है। तो पूरे साल भर ये अलग अलग तरह के होस्ट प्लांट को नुकसान पहुंचाता रहता है और ये इसका जो नंबर है वो पूरे साल भर इंक्रीज होता रहता है। नुकसान जो इसके द्वारा पहुंचाया जाता है, लगभग पूरे प्लांट को ये नुकसान पहुंचाता है, डेड हर्ट्स यानी जो टिश्यू हैं स्टेम के उनको इसके द्वारा नष्ट किया जाता है, और दूसरे जो लीफ वाले पार्ट हैं और जो ब्रांचेज हैं वो भी इसके द्वारा नुकसान पहुंचाई जाती हैं। दक्षिण भारत के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो पैडी क्रॉप है उसको ये पूरे साल भर भारी नुकसान पहुंचाता है। सिम्टम्स ऑफ अटैक अगर हम इसके देखें तो जैसा हमने देखा कि पूरे जो प्लांट है उसको ये अटैक करता है, सो जो लीव्स हैं उनमें डिसकलरेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल वाइटिश पैचेज इसमें बनते हैं, उसके अलावा जो एपिकल पार्ट है प्लांट का उसको नष्ट किया जाता है, उसके जो इनर मटेरियल है उसको नष्ट किया जाता है, डेड हर्ट्स इसके द्वारा जो स्टेम का इनर टिश्यू है उसको नष्ट किया जाता है, और जब ये विल्टेड टेलर्स इसमें होते हैं, मतलब ये मुरझा जाता है पौधा जब कमज़ोर हो जाता है, तो उसके बाद में दूसरे तरह के भी कुछ सिम्टम्स इसमें नज़र आते हैं जो पेस्ट के द्वारा अटैक करने के बाद हमें पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। कंट्रोल मेजर्स अगर हम इसके देखें तो जो कल्चरल मेथड्स हैं उसमें क्लिपिंग एंड बर्निंग ऑफ टिप्स ऑफ सीडलिंग्स एज ए रूटीन बिफोर ट्रांसप्लांटिंग विल हेल्प अवॉइड द रिस्क ऑफ हैविंग इनविजिबल एग्स लेड ऑन लीफ टिप्स। तो अगर एग लेइंग जिन पार्ट्स पर हो चुकी है उन्हें हम क्लिपिंग करें और बर्निंग करें तो काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं आगे होने वाले इन्फेस्टेशन से। अर्ली सोविंग एंड अर्ली हार्वेस्टिंग ऑफ क्विक ग्रोइंग वेराइटीज विल बाईपास द पेस्ट अटैक सिंस द पेस्ट वुड नॉट बी देयर व्हेन द प्लांट्स आर इन ए वल्नरेबल स्टेजेस। तो जो अर्ली सोइंग और अर्ली हार्वेस्टिंग है उसके द्वारा हमें हेल्प मिलती है इसके इन्फेस्टेशन से बचने में। अवॉइड रेटून क्रॉपिंग टू प्रिवेंट कैरी ओवर द बोरर्स। केमिकल मेथड्स, स्प्रेइंग नर्सरी 15 डेज आफ्टर सोइंग द सीड्स
एंड फील्ड्स एट 3 to 4 weeks इंटरवल्स विद 0.04% एंड्रिन और 0.08% मिथाइल पैराथियोन और 0.05% डायजिनोन और फॉस्फामिडोन हैव बीन फाउंड इफेक्टिव. एप्लीकेशंस ऑफ डायजिनोन ग्रेन्यूल्स और गामा BHC इन इरिगेशन वाटर दैट इज 1 to 2 kilograms पर हेक्टेयर इज मोर इफेक्टिव देन स्प्रे ऑन फॉलिएज. अर्ली स्प्रेइंग विल किल द ओविपोजिटिंग फीमेल्स एंड फर्स्ट इंस्टार लार्वा दैट ग्रोस. देन सेकेंड पेस्ट मैक्रोसिफम ग्रेनेरियम. ये हेमिप्टेरा का एफिड है, वीट एफिड. ये भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इंडिया में. इसका अपीयरेंस अगर हम देखें तो इंसेक्ट माइन्यूट, छोटा है साइज में और ग्रीन कलर का है, लाउस लाइक होता है. निम्फ और अडल्ट एक जैसे नज़र आते हैं. ये क्योंकि वेविपेरस है, जैसा हम इसकी लाइफ हिस्ट्री से यहाँ देख रहे हैं, एडल्ट से निम्फ बनते हैं और निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो स्ट्रेट लाइन लाइफ हिस्ट्री इसकी होती है. फीमेल जब निम्फ को बर्थ देती है तो अक्टूबर से जनवरी के बीच कई मोल्टिंग होने के पश्चात ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. विंटर में जब बहुत तेज़ी से ब्रीडिंग होती है तो वहाँ पर मेल्स नहीं होते या मेटिंग जैसी कोई स्टेज नहीं होती और पार्थोजेनेटिक रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है और तेज़ी से इनका नंबर बढ़ता है. कंपैरेटिवली समर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, विंग्ड होते हैं और ये माइग्रेट कर जाते हैं. जो भी अल्टरनेट होस्ट प्लांट होते हैं जैसे कि ग्रासेस और दूसरे, और वहाँ पर इनकी मेटिंग होती है और अक्टूबर में ये फिर हमें नज़र आते हैं जो वीट प्लांट है या वीट क्रॉप है उसमें. होस्ट प्लांट इसके हैं वीट, मिलेट्स एंड बार्ले. और जो डैमेज इसके द्वारा क्रॉप में किया जाता है वो सेप शकिंग के द्वारा किया जाता है, निम्फ और एडल्ट्स दोनों के द्वारा. इन एफिड्स के द्वारा कोल्ड और जो क्लाउडी वेदर होता है और जहाँ हैवीली मैन्योर होता है, अच्छे तरह इरिगेटेड क्रॉप होती है, उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाता है. ये लॉन्गर स्ट्रेन का होता है और जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ जाती हैं और पौधा धीरे धीरे डैमेज हो जाता है. कंट्रोल मेजर्स, एनी सिस्टमिक ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड कैन बी स्प्रेड विथ गुड रिजल्ट्स. जो थर्ड पेस्ट है इसका, उसमें हम डिस्कस करेंगे टर्माइट्स को. ऑडेंटोटर्म्स ऑबेसस. टर्माइट्स के बहुत सारे कॉमन नेम हैं अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं डीमर्क, पंजाबी में सेंक, सेनोक, डीमक, गुजराती में दीमक, उडई, राजस्थानी में उडई, बंगाली में उई, ओलई, आसामी में हम इसको कहते हैं बागा परुआ, ओडिया में ओई और मराठी में हम इसको कहते हैं वलवई, तमिल में करयम, तेलुगु में हम इसको कहते हैं चेडा, पुरुगु, मलयालम में चीतल, कनाडा में गैडोलू,
और हुलू, संस्कृत में हम इसको कहते हैं कास्ट हरिका यानी वुड फीडर, और उपाजी हाउका यानी माउंट ओल्डर। डिस्ट्रीब्यूशन इसका, टर्माइट्स अबाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, दे लीव इन कॉलोनीज विच मे बी स्मॉल और लार्ज, कंटेनिंग फ्रॉम फ्यू थाउजेंड्स टू ए मिलियन एंड अबव इंसेक्ट्स। अपेरेंस इसका, दे आर मीडियम साइज सॉफ्ट बॉडीड क्रीम टू लाइट और डार्क ब्राउन इंसेक्ट्स। लाइफ हिस्ट्री अगर हम इसकी देखें तो ये हेमी मेटाबॉलस हैं, जैसा हम यहाँ लाइफ हिस्ट्री का जो इसका रेखांकन है उससे देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर है यानी ये हेमी मेटाबॉलस हैं। इसमें एग होते हैं और एग से निम्फ बनते हैं और निम्फ से एडल्ट बनते हैं। तो बीइंग सोशल इंसेक्ट लाइक आंट्स और बीज, टर्माइट शोज पॉलीमॉर्फिज्म, हैव ए डिवीजन ऑफ लेबर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द यूजुअल ऑफ एग लेइंग, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में होती है और एग से निम्फ बनने में 77 डेज का टाइम लगता है। उसके बाद में निम्फ से एडल्ट में जो कन्वर्जन होता है उसमें 9 to 16 मंथ्स इसमें लगते हैं, और एडल्ट का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ हम इसका लाइफ साइकिल, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके लाइफ साइकिल में जो दूसरे सोशल इंसेक्ट्स हैं उनके अलावा थोड़ा कंपैरिजन अगर हम करें तो थोड़ा फर्क होता है। जो एग है, एग लेइंग जब इसकी की जाती है, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, एग लेइंग जो क्वीन के द्वारा की जाती है और फाइसोगैस्ट्रिक यानी बहुत बड़े साइज का जिसका एब्डोमेन होता है, उससे हम विंगलेस इमेगोज बनते हैं जिसमें किंग और क्वीन होते हैं और इनमें मेटिंग होती है, फिर एग्स बनते हैं, एग से यंग लार्वा निकलते हैं, फिर ओल्डर लार्वा होते हैं, उसके इंस्टार्स होते हैं, और ये लार्वा जो ओल्डर लार्वा होते हैं ये वर्कर इनसे बनते हैं। इसके अलावा ये सोल्जर्स और निम्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनमें विंग पैड्स होते हैं। जब जब ज़रूरत होती है कि वर्कर्स की कमी हो जाए तो लार्वा जो सोल्जर्स में कन्वर्ट होते हैं, और जो सोल्जर्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं वो भी वर्कर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होती हैं वो भी ज़रूरत के हिसाब से वर्कर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जब ज़रूरत होती है। तो इस तरह से वर्कर्स की लगातार यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से अवेलेबिलिटी होती रहती है, दूसरे जो स्टेज हैं वो उसमें कन्वर्ट होते रहते हैं, और जो निम्फ विंग पैड्स के साथ होते हैं, डेवलप होते हैं, उनमें स्वार्मिंग होती है और उस स्वार्मिंग के द्वारा फिर कॉपुलेशन होता है और फिर एग लेइंग की जाती है। कंट्रोल मेजर्स अगर हम इसके देखें तो टर्माइट कंट्रोल्स इज रेंडर डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ देयर लिविंग अंडरग्राउंड एंड स्प्रेडिंग ओवर लार्ज अनडिफाइंड एरियाज, हाउएवर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंट्रोल कैन बी अडॉप्टेड। कल्चरल मेथड्स, स्टबल्स ऑफ द प्रीवियस क्रॉप्स एंड अदर डेड डिकेइंग मैटर शुड बी रिमूव्ड सिंस दे अट्रैक्ट टर्माइट्स। देन सेकेंड, डिस्ट्रॉय टर्माइट नेस्ट बाई डीप प्लोविंग एंड यूज वेल रूटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर सिंस रॉ मैन्यूर अट्रैक्ट्स देम। केमिकल मैथड्स में, दीज मैथड्स एम्प्लॉय इंसेक्टिसाइज आर द ओनली रिलायबल मैथड्स फॉर टर्माइट कंट्रोल, द चॉइस ऑफ इंसेक्टिसाइड शुड बी गाइडेड बाई देयर परसिस्टेंट
नेचर एंड लॉन्ग सेल्फ लाइफ इन द सॉइल. इंसेक्टिसाइड्स विद लॉन्ग हाफ लाइफ आर द फॉलोइंग. केमिकल कंट्रोल ऑफ टर्माइट्स फॉर डिफरेंट आइटम्स आर एज फॉलोज. इंसेक्टिसाइड्स और हाफ लाइफ इन सॉइल. टैक्सोफेन 10 ईयर अप्रॉक्सीमेट. हेप्टाक्लोर 7 to 12 ईयर्स. और आइसोड्रीन और एंड्रीन 4 to 8 ईयर. डीडीटी 3 to 10 ईयर. क्लोरडेन 2 to 4 ईयर. बीएससी 2 ईयर. डाई एल्ड्रीन 1 to 7 ईयर और एल्ड्रीन 1 to 4 ईयर. फॉर क्रॉप्स सीरल्स पल्सेस एटसेट्रा. इन सब के लिए सीड ड्रेसिंग. सोक सीड्स इन 5% वाटर सोल्यूशन ऑफ टेक्निकल डीडीटी और स्प्रे देम विद एल्ड्रीन इमल्शन. 30% इमल्सीफाइबल कंसनट्रेट और डस्ट देम विद 0.5% बीएचसी. सॉइल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं. प्री सोविंग डस्टिंग ऑफ सॉइल विद टेक्निकल एल्ड्रीन और 1 to 2% डीडीटी इमल्शंस. पोस्ट सोइंग डस्टिंग ऑफ सॉइल विद 5% एल्ड्रीन और 10% बीएचसी और 5% हेप्टाक्लोर. द इंसेक्टिसाइड कोल्ड बी रेक्ड इन टू द सॉइल. ट्रीटमेंट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप. डस्टिंग ऑफ प्लांट्स विद 5% एल्ड्रीन और बीएचसी और एड 20% इमल्सीफाइंग कंसनट्रेट ऑफ हेप्टाक्लोर इन द इरीगेशन वाटर दैट इज 5 liters पर हेक्टेयर. हेयर द इंसेक्टिसाइड कुड बी रेक्ड इन टू द सॉयल. सो हमने देखे डिफरेंट पेस्ट ऑफ वीट. डैमेज कॉज्ड बाय पेस्ट इन वीट क्रॉप और कंट्रोल मेजर्स. थैंक यू.